अरे अरे अबे भाई, ओ माय गॉड, अबे भाई कौन है ये भाई, कैसे मार रहा है? तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जो बंदा है ना वो मैं ही हूँ। और भाई यहाँ पे आज का वीडियो के बाद ना आप लोगों का हर एक गेम प्ले ऐसे जाने वाला है। अब एज पे एज करने वालों, मतलब यहाँ पे खतरनाक गेम प्ले होने वाला है आपका, क्योंकि इस आज सप्टर अपडेट भाई न्यू सीएस रैंक के अंदर बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो गाइस आज 1 अक्टूबर एंड आज भाई हम लोगों का जो सीएस रैंक है वो डाउन हो गया। एंड मुझे पता है भाई आप लोग मेरे तरह सीएस रैंक में ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो, लेकिन उससे पहले भाई वीडियो को लास्ट रखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर टॉप 2 बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। और इस वीडियो को अगर मिस कर दिया ना आप लोग ग्रैंड मास्टर मिस करने वाले हो, ऐसा खतरनाक कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बताने वाले हो ना अपडेट के बाद, ऐसा स्किल कॉम्बिनेशन कोई यूज़ नहीं किया, ठीक है। एंड इसका बेनिफिट भाई आप लोग उठा सकते हो, इसको यूज़ करके भाई आप लोग किल पे किल कर सकते हो, साथ में बुया पे बुया कर सकते हो, ग्रैंड मास्टर जाना आसान हो जाएगा स्किल कॉम्बिनेशन के साथ। क्योंकि गाइस चाहे अपना गेम प्ले कितना भी अच्छा हो ना, एक बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन आपका गेम प्ले को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम 2 एक्टिव स्किल यूज़ करने वाले हैं। पहला तो हम लोगों का जाइन कैरेक्टर एंड दूसरा है तत्सुया कैरेक्टर। एंड गाइस लास्ट वाला कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन देखना मत भूलना, क्योंकि अपटर अपडेट इस सबसे खतरनाक कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले हम एक्टिव कैरेक्टर जाइन को यूज करेंगे अपटर अपडेट। भाई ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है एंड इसका जो एबिलिटी है अपडेट के बाद चेंज हो गया और भी बेहतरीन कर दिया, क्योंकि इसका एबिलिटी यूज करने के बाद 60 HP शील्ड पॉइंट मिलता है 12 सेकंड के लिए। लेकिन उसी 12 सेकंड के अंदर अगर आप किसी एनिमी को डाउन करते हो तो आपको वापस 12 सेकंड के लिए 60 HP शील्ड पॉइंट मिलता है। अब जितनी बार 12 सेकंड के अंदर किसी एनिमी को डाउन करोगे आपको उतनी बार 60 HP शील्ड पॉइंट मिलता रहेगा 12 सेकंड के लिए। लेकिन अगर 12 सेकंड के अंदर आप किसी एनिमी को मार नहीं पाते हो या डाउन नहीं कर पाते हो तो इसका स्किल कूल डाउन में चला जाएगा 75 सेकंड के बाद, इसको आप वापस यूज कर पाओगे। इसके साथ हम 2 शील्ड वाला कैरेक्टर यूज करने वाले। पहला तो हम लोग एंटोनियो कैरेक्टर, जो स्टार्टिंग से ही 30 शील्ड पॉइंट दे देता है एंड अगर कोई डैमेज देता है तो सबसे पहले शील्ड पॉइंट पर डैमेज पड़ता है एंड उसके बाद आपके मेन एचपी पर डैमेज पड़ता है, तो आप लोगों को भी पता है। इसके साथ सेकंड में हम यूज करेंगे सानी कैरेक्टर। इससे जब भी हम जाइन कैरेक्टर को यूज करेंगे तुरंत ही हमें 40 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट मिल जाएगा एंड जाइन एंड सानी एंटोनियो सबको मिला के जो शील्ड पॉइंट होता है 130 एचपी शील्ड पॉइंट। एंड लास्ट में हम ये भी यूज करने वाले फोर्ट कैरेक्टर को। इससे कहीं से भी आपके ऊपर डैमेज पड़ता है तो 40 एचपी मिल जाता है 4 सेकंड के अंदर। एंड यहाँ पे पेट के अंदर ड्रिकी पेट का एबिलिटी लगा लेना, इससे कोई अगर 30 मीटर रेंज के अंदर मेडी मार रहा होगा ना तो उसका लोकेशन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन है। ये कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन ना आई थिंक यहाँ पे अपडेट के बाद बहुत ज्यादा यूज होता है, लाइक यहाँ पे एंटोनियो सानी जाइन कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूज होता है अपडेट के बाद, जिस वजह से एनिमी को मार पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे में हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई बंदा, सामने वाला बंदा शील्ड वाला कैरेक्टर यूज कर रहा है, जाइन यूज कर रहा है, ऐसे में हम लोग करें क्या? तो भाई अब करना क्या है मैं बताता हूँ। तो अब बारी आता है सेकंड स्किल कॉम्बिनेशन की, जो फर्स्ट वाला स्किल कॉम्बिनेशन को तोड़ के रख देगा। और आप सोच रहे होंगे भाई फर्स्ट वाला स्किल कॉम्बिनेशन को अगर तोड़ के रख देगा तो मैंने बताया क्यों, क्योंकि गाइस अभी जो मैं कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ वो बंदे ना के बराबर यूज करता है, बहुत सारे बंदे को पता नहीं होता है। अगर किसी को पता भी होता है ना तो उसके बजाय ये एंटोनियो सानी जाइन वगैरह यूज करता है, जिस वजह से कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन ना बहुत ही पावरफुल है। इसको आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका गेम प्ले बहुत ही अच्छा जाएगा। लेकिन अभी जो मैं कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बताने वाला हो ना, ये फर्स्ट वाला कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन को आसानी से तोड़ के रख देगा एंड बहुत ही पावरफुल स्किल कॉम्बिनेशन है। इसको शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो गाइस सबसे पहले तत्सुया कैरेक्टर को लगा लेना एंड ये जो कैरेक्टर है ना रासार के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है सीएस रैंक के लिए, तो इसको ले लेते हैं। एंड इसके साथ जो फर्स्ट कैरेक्टर स्किल पैसिव कैरेक्टर यूज करेंगे वो है हम लोगों का अटैक कैरेक्टर काइरस कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को लगाने के बाद आपको 2 तरीके से फायदा मिलेगा। पहला तो आप लोग को मशरूम एनी टाइम मिलता रहेगा, पर सेकंड 2 करके ईपी आपको मिलता रहेगा जब तक आपका ईपी फुल नहीं हो जाता। एंड फुल होने के बाद ब्रेकर मोड में आ जाता है एंड जब ब्रेकर मोड में आ जाता है ना सबको ब्रेक करने लगता है, मतलब कोई अगर एंटोनियो सानी जाइन शील्ड वाला कैरेक्टर यूज कर रहा हो ना उसका शील्ड एक झटके में तोड़ देता है। साथ में इसका आर्मर के ऊपर भी बहुत खतरनाक इंप्रेशन पड़ता है, बहुत खतरनाक डैमेज पड़ता है, जिस वजह से बंदा जो है ना ऑटोमेटिकली बहुत ही जल्दी डाउन हो जाता है। एंड सेकेंड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जेविस कैरेक्टर को। इससे क्या होगा, इससे कोई
कोई अगर आपको मारेगा ना, मार मार के थक जाएगा, फिर भी आपको मार नहीं पाएगा, क्योंकि जब आपके पास ईपी होगा एंड 15 मीटर के रेंज के अंदर से कोई आपको मारेगा तो उसका डैमेज को 8% तक ब्लॉक कर देता है, वो 8% डैमेज आपके ईपी में से कर जाता है एंड आपके पास ईपी एनी टाइम होगा, क्योंकि ये सामने कायरोस कैरेक्टर को लगा के रखे है। अगर हम मशरूम खरीद भी नहीं पाते हैं तो ऑटोमेटिकली कायरोस कैरेक्टर की वजह से हमें एनी टाइम ईपी मिलता रहता है। एंड लास्ट में हमने यहाँ पे फोर्ड कैरेक्टर को यूज किया, इससे कहीं से भी आपको डैमेज बढ़ाना, चाहे जोन से पड़ा हो या तो फिर कोई एनिमी मार के आपको डैमेज दिया हो, तो यार 4 सेकंड के अंदर 40 HP आप लोगों को मिल जाएगा, जो फाइटिंग के टाइम बहुत ज्यादा काम आता है। और गाइस यहाँ पे न्यू CS रैंक सीजन के अंदर आप लोग ये दो कैरेक्टर स्किल में से किसी को भी यूज कर सकते हो, दो ही बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर स्किल है। तो आई थिंक भाई वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना और चैनल में नए होना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए बाय बाय।